महाराष्ट्र में जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए एनडीए में तकरार की हर रोज नई नई कहानी सामने आती है। कभी कहा जाता है लोकसभा चुनाव में टिकट कटने से दुखी अजित गुट के छगन भुजबल जैसे वरिष्ठ नेता शरद पवार की पार्टी में जाने वाले हैं, तो कभी कहा जाता है कि शिंदे गुट और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे एक पोस्टर है जो पिछले कई हफ्तों से महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा में है, जहां शिंदे की शिवसेना दफ्तर के बाहर लगे एक बैनर पर लिखा है, वक्त आने दो, जवाब भी देंगे और हिसाब भी लेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो ये पोस्टर राज्य के सिंधु दुर्ग जिले के कंकावली में जगह जगह लगाए गए। बैनर दोनों घटक दलों के बीच अंदर खाने चल रही खींचतान की खबरों को हवा देता है। बताया जा रहा है कि इस बैनर पर शिवसेना कोटे से शिंदे सरकार में मंत्री उदय सामंत और उनके भाई किरण सामंत की तस्वीरें लगाई गई है। ये दोनों इसी जिले के वासी है। उदय सामंत रत्नागिरी से लगातार 4 बार विधायक है। अब इस बात की चर्चा तेज है कि कंकावली में शिवसेना आखिर किसे चेतावनी दे रही है और किससे हिसाब लेने की बात कह रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और शिंदे गुट के बीच दरार चौड़ी हो गई है। पहले तो सामंत बंधु चाहते थे कि रत्नागिरी सिंधु दुर्ग लोकसभा सीट उनके पास ही रहे, लेकिन बीजेपी ने वहां से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को उतार दिया। राणे के बेटे नीलेश राणे ने बाद में आरोप भी लगाया था कि सामंत बंधुओं ने क्षेत्र में मदद नहीं की। हालांकि नारायण राणे वहां से जीतने में कामयाब रहे। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बैनर के जरिए शिवसेना ने राणे को चेतावनी देने की कोशिश की है। बता दें बैनर में बाला साहेब ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे की तस्वीर भी छापी गई है और एक बड़ा बाघ भी दिखाया गया है। इसके अलावा बैनर में उदय सामंत और किरण सामंत की बड़े आकार की तस्वीरें हैं। इसके बाद लिखा है शिवसेना सिंधु दुर्ग जिला पदाधिकारी और शिव सैनिक। बता दें कि लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए ने खराब प्रदर्शन किया है। राज्य की कुल 48 सीटों में से एनडीए ने 17 सीटें जीती, जबकि एमवीए गठबंधन ने यहां 30 सीटें जीती है, जबकि एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है। चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए गठबंधन में पहली चिंगारी रत्नागिरी सिंधु दुर्ग निर्वाचन क्षेत्र में ही बढ़की थी। नव निर्वाचित सांसद नारायण राणे के बेटे और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने उदय सामंत पर आरोप लगाया था कि पालक मंत्री होने के बावजूद उदय सामंत जिले में नारायण राणे को बढ़त क्यों नहीं दिला सके। राणे ने ये भी कहा था कि वो सामंत बंधुओं के व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।